कभी मेरी सालगिरह आती है तो कुछ पिछले कुछ सालों से मैं हर सालगिरह पर एक कविता लिखता हूं। जीवन की ढलने लगी सांझ, उम्र घट गई डगर कट गई, जीवन की ढलने लगी सांझ। बदले हैं अर्थ शब्द हुए व्यर्थ, शांति बिना खुशियां हैं बांझ, जीवन की ढलने लगी सांझ। एक कवि, एक पत्रकार, एक राजनेता और एक विपक्षी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म दिवस है। लेकिन ये पहली बार होगा जब पूरा भारतवर्ष बिना अटल बिहारी वाजपेयी के ही उनका जन्म दिवस मनाएगा। यूं तो उनसे जुड़े तमाम किस्से हैं, लेकिन एक ऐसा भी किस्सा है जो हम लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे। वो है अटल जी की नायाब कविताएं जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल में लिखी थी। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। 1975 की इमरजेंसी ने एक नेता को तो कैद कर लिया, लेकिन एक कवि को कैद ना कर पाए। जेल में एक साल बिताने के बाद उन्होंने लिखा, इमरजेंसी लगी थी, सारा देश एक जेल खाने में बदल दिया गया था, स्वतंत्रताओं का अपहरण हुआ था, बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेलों में बंद किए गए थे। जब एक साल बीत गया तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। जब जेल में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था तो उन्होंने व्यंग के रूप में लिखा, डॉक्टरान दे रहे दवाई, पुलिस दे रही पहरा, बिना ब्लेड के हुआ खुरदुरा, चिकना चुपड़ा चेहरा, चिकना चुपड़ा चेहरा, साबुन तेल नदारद, मिले नहीं अखबार पढ़े जो नई इबारत, कह कैदी कविराए कहां से लाए कपड़े, अस्पताल की चादर छुपा रही सब लफड़े। जब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने इंदिरा को भारत माता के तुल्य कहा तो वो चुप कैसे रहते। उन्होंने लिखा, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचा के सरताज किया अपमानित भारत, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत, कह कह दी कविराय स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बिताए। एक रोचक किस्सा यह भी है कि शादी को लेकर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कवि अंदाज के रूप में जवाब दिया, मेरे पास शादी के लिए समय नहीं है और मैं अपनी बेफिक्र जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। 16 अगस्त 2018 को अटल जी पंचतत्व में विलीन हो गए और आज हम उनके जन्मदिवस पर उनको एक कवि रूप में याद करते हैं। कैपिटल पोस्ट के लिए मैं पंकज सिंह, नमस्कार। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता।